इकाई 5 हिंद देश के निवासी कविता। ध्यान से कविता सुनिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। एक है गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धर्म है अनेक जिनका सारे वही है, निराले सबकी मंजिल तो एक है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कविता का गान कीजिए। हिंद देश के निवासी
सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। एक है गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। सबकी मंजिल तो एक है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बाल दोस्तों, आपने कविता सुनी और समूह गान भी किया, तो चलो अब आप खुद गान करो।
हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। काव्य समझूती, भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। कवि कहते हैं कि उनके रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग क्यों न हो। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। काव्य समझूती, कुदरत ने बेला यानी मोगरा गुलाब जूही चंपा चमेली जैसे अलग अलग रंग सुगंध एवं कद के फूलों का सर्जन किया है, परंतु वे प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि भारत के लोग अलग अलग भाषा रंग रूप के होने के बावजूद एक हैं। कोयल की कूकन्यारी पपीहे की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। काव्य समझूती, कोयल की बोली अलग ही मनभावन होती है, पपीहे की बोली मीठी प्यारी होती है, बुलबुल भी सुंदर गीत गाती है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हों, पर उनका राग एक है। कवि कहते हैं कि अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासी की आवाज एक ही है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। काव्य समझूती, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियां हैं, मगर सागर में मिलकर वे एक हो जाती है। कवि कहते हैं कि इस तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। काव्य समझूती, भारत में हिंदू इस्लाम सिख जैन पारसी और ख्रिस्ती धर्म के लोग रहते हैं। उनकी पूजा पद्धति अलग अलग है, लेकिन हर एक धर्म का सार एक ही है। भाषा सज्जता। विद्यार्थी मित्रों, आज हम सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ दो सखी अपनी आपसी बातचीत कर रही है, ध्यान से सुनिए। मीना, आज तू चुपचाप क्यों बैठी है? मंदिर नहीं आना? नहीं, मेरा मन नहीं लगता। अरे हाँ, आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना? मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, पर मुझे खेलना रास नहीं आया। क्यों? कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी, तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया। उन्होंने माँ से शिकायत कर दी। ओह, अब समझी तेरी उदासी का राज। खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूंगी। आपने संवाद सुना? इस संवाद को हम फिर से पढ़ेंगे। देखिए, प्रियंका, मीना आज तू चुपचाप क्यों बैठी है? मंदिर नहीं आना? आप बताइए, यह वाक्य कौन बोलता है? प्रियंका, प्रियंका किसके साथ बात कर रही है? मीना के साथ। देखिए, अब बताइए, प्रियंका जिस वाक्य बोल रही है उसमें वह मीना से कह रही है, आज तू चुपचाप क्यों बैठी है? यह तू शब्द मीना के लिए ही उपयोग किया गया है। आगे देखिए, दूसरा वाक्य है, मीना, नहीं मेरा मन नहीं लगता। इस वाक्य मीना बोल रही है और नहीं मेरा मन नहीं लगता ऐसा कहती है। इस वाक्य में मेरा शब्द मीना ने अपने लिए उपयोग किया है। विद्यार्थी मित्रों, आपने संवाद में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखे होंगे। सभी दर्शाए गए रेखांकित शब्द नाम के स्थान पर प्रयुक्त किए गए हैं। जो शब्द नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं।